प्रियव्रत के जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत है भगवान के नाम का भजन करना। और उत्तानपाद, जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। एक बार की बात है, ध्रुव जी खेलते हुए आए और आकर के अचानक अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। जब पिताजी की गोद में बैठे, दूर खड़ी सौतेली मां सुरुचि ने जब देखा तो पहले तो सोचती है कि शायद ये मेरा बेटा है, लेकिन जब पास में आई और देखा कि अरे नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो सुनीति का बालक है। सुरुचि ने राजा की गोद में से ध्रुव को उठाया, उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव जी को लगा कि शायद मेरी मां मुझे गोद में उठा रही थी, इसलिए ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचे और दोनों हाथ ऊपर करके ध्रुव कहते हैं कि मां मुझे गोद में ले लो। तब सुरुचि ने ध्रुव के दोनों हाथों को बांधा और बांध करके कहा, नावत् नृपतेर्धृष्ण्यं भवानारूढुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। हे पुत्र, नावत्स नृपतेर्धृष्ण्यं, हे वत्स, तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करो, राजा की गोद में बैठने की ढिठाई मत करो। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कहती है, राजा तो तेरे पिता है, पर मैं तेरी माता नहीं, तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना है तो पहले जा जंगल में जाकर के तपस्या कर और भगवान से पिता की गोद में बैठने का वरदान प्राप्त कर। ये तपस्या नहीं करना चाहता तो मर करके फिर से मेरी कोख से जन्म ले, तो तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। सुरुचि ने ध्रुव के लिए बड़ी कठोर बातें कही। सुरुचि ये भूल गई कि ये छोटा सा, ये नन्हा सा, ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव मेरी इस व्याकरण संयत शैली को समझने की योग्यता रखता है। क्या ये छोटा सा बालक मेरी इस इन साहित्यिक भाषा को समझेगा? और मान लो समझ भी रहा है तो इसके छोटे से हृदय में मेरे ये बाणी रूपी बाण किस तरह से इसके हृदय को भेद रहे होंगे, छेद रहे होंगे, ये नहीं सोचती और बस बोले जा रही है। ध्रुव ने सौतेली मां की कड़वी बातों को सुना और फिर रोते हुए भागते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आए। मां सुनीति के पास ध्रुव पधारे। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुसा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन शकासं। रोते हुए ध्रुव अपनी मां के पास आए। छोटे से बालक ध्रुव के अधर कांप रहे हैं पत्ते के समान। जिस प्रकार से डंडे की चोट खाकर के सर्प फुसकारता है, वैसे ही अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों को सुनकर के ध्रुव भी लंबी लंबी श्वास ले रहे क्रोध में। भागते हुए अपनी मां के पास आए। मां सुनीति ने ध्रुव को जब रोते हुए देखा तो सहज भाव में पूछा कि पुत्र क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने डांटा है? क्या किसी ने मारा है मेरे बेटे को? उस समय ध्रुव ने सारी बातें बताई कि मां, दूसरी मां ने ऐसा कहा है। धन्य है सुनीति,
यदि चाहती तो ध्रुव से जाकर के झगड़ा कर सकती थी, लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी, ध्रुव से कह सकती थी कि सुनीति सुरुचि से लड़ सकती थी ध्रुव के लिए कि यदि तुम राजा की पत्नी हो तो मैं भी राजा की पत्नी हूं, बड़ी पत्नी हूं, बड़ी रानी हूं। यदि उत्तम राजा का बेटा है तो ध्रुव भी राजा का बेटा है। इस तरह से सुनीति सुरुचि से जाकर के लड़ सकती थी, लेकिन सुनीति ने सुरुचि से झगड़ा नहीं किया। सुनीति ने अपनी परिपक्वता दिखाई। जो सुनीति का नाम है, सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान, जिसके पास सुंदर ज्ञान है वो सुनीति अपनी परिपक्वता, अपनी अनंतता दिखाई, अपने विशाल हृदय का विशद परिचय देती हैं। और सुरुचि की खंडित महिमा को ध्रुव के सामने सुनीति ने मंडित बना दिया। जब ध्रुव की बातों को सुना तो दुख तो हुआ। दीर्घम स्वसंति ब्रजिनस्य पारो मपस्यति बालक माहवाला मा मंगलम तात परेशु मनसथा भुंते जनो यत पर दुख दंस्ततो। दुख के कारण लंबी लंबी सांस ली। दीर्घम स्वसंति ब्रजिनस्य पारो, सुनीति के दुख का कोई पार नहीं है, फिर भी अपने आप को संभाला। और ध्रुव बुराई कर रहे हैं सौतेली माँ की, तो सुनीति समझाती है, मां मंगलम तात, हे तात, हे पुत्र, हे बेटे, बुराई नहीं। तो आज सुनीति ने ध्रुव को समझाया है, मां मंगलम तात, बेटे माँ का अमंगल मत सोचो, माँ का बुरा मत सोचो, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए बेटे बुराई मत करो। और फिर माँ ने ठीक ही तो कहा है, अब तुम छोटे से हो, माँ ने थोड़ा सा डांटा तो भाग करके मेरे पास आ गए, पूरी बात सुनते तो माँ पूरी बात बताती। माँ ये कहने वाली थी कि पिता तो साधारण है, ये हाड़ मांस का पुतला आज है कल मर जाएगा, यदि प्राप्त करना है तो उस जगत पिता को प्राप्त करो जो आदि है, जो अनंत है, जो अनंतानंत है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक है। ऐसे करुणा वरुणालय भक्तवान छा कल्प तरु, उन भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। और धन्य है माँ सुनीति, अपने बेटे को समझाती है, तमेव वत्साश्रय भृत्त वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धैम भाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे पुत्र, जो अपने दासानुदासों पर भी परम अनुग्रह करते हैं, ऐसे परम कृपालु, ऐसे परम दयालु, ऐसे दयानिधि, ऐसे आनंद सिंधु प्रभु की शरण ग्रहण करो, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करो। जब ध्रुव ने अपनी माँ की बात सुनी तो माँ समझा करके चली गई। सुनीति को थोड़ी पता था कि ये बातें ध्रुव को इतनी जल्दी समझ में आ जाएंगी। समझा करके सुनीति गई है और यहाँ ध्रुव जी ने जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। जब ध्रुव जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, भयंकर जंगल के बीचों बीच ध्रुव को नारद जी मिल गए। देखिए, सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं, उन्हें गुरु गली गली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सद शिष्य ध्रुव को सदगुरु नारद जी मिल गए। और नारद जी जब मिले तो पूछते हैं कि वत्स, इस घनघोर जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हारे भाई बहन, क्या तुम्हारे कोई बुजुर्ग तुम्हारे साथ है? ध्रुव ने कहा, नहीं बाबा, मैं अकेला आया हूँ। नारद जी ने कहा, क्या करने आए हो? कहा, मैं तपस्या करने आया हूँ। नारद जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की थोड़ी है,
अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है, खाने पीने की है, सोने की है, पढ़ने लिखने की। लौट जा, तेरी माँ तेरे पिताजी घर पे तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ध्रुव ने कहा, देखो बाबा मैं नहीं लौटने वाला, बस आप मुझे इतना बता दो कि तपस्या कहाँ और कैसे की जाती है। जब ध्रुव जी ने बार बार प्रश्न किया, नारद जी ने कृपा की और कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुभम पुण्यम मधुबनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। हे वत्स, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। यमुना के तट पर, यमुना के किनारे मधुबन नाम का जंगल है, जहां पर हरि नित्य निवास करते हैं। उस मधुबन नाम के वन में जाकर के तपस्या करो, अति शीघ्र भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी।